उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय लखनऊ के सर्वर को हैक करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने साइबर गैंग के दो मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि एसटीएफ मुख्यालय से मंगलवार को इस मामले में जो कार्रवाई की जानकारी दी गई है, बयान के अनुसार आरोपियों ने 18 महीनों में 1 करोड़ रुपए की लागत से 3 हैकर, 6 डिवाइस, 3 कार और लॉकर सॉफ्टवेयर खरीदकर यहां पर 3 बैंक के अधिकारियों की मदद से उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुख्यालय लखनऊ के सर्वर को हैक करके आरटीजीएस के माध्यम से 146 करोड़ रुपए की हेराफेरी की, जिन्होंने एसटीएफ ने जिन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही एसटीएफ ने कई अहम दस्तावेज भी इनसे बरामद किए हैं।